सुखयुगुडम स्माहयुगुडम जिनगुड संपत्यो तप्राणी काचरुं निग्रियं पुरुवाचां स्रियार्थं भाव पुयंद्रे संस्मितं त्रियाचर उक्ति गांशं कुरुव्यां श्रीजुत्पादीभ्यां शुभावनभ्यों तेभ्यां सर्तपुण्यतेभ्यों गुरुभ्यां सम्मग्ने पञ्चव्याकरणसन्दर्शे ससाड़ुकुशलेतुमनस्तां गुरुक्षेमीणे संसारसारं घोरं छिन्नन्तटिकमं जुम्पाविन्तीं अनित्यं मृत्युमन्त्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्करिमा विस्तातपोन्दना साधु क्रिया साधिव शीलप्रावरुणा गुणप्रेरणा चन्दार्गिते चोधिका मोक्षद्वारिके पाटिपाटनिभिटा पीडन्तु मां साधिवः गुरुवः पन्तु नित्यं ज्ञानदर्शनायिका चारित्राणुगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका इक्षायुवंते आर्यभक्ति कांशको खजलोचे शम्राणे संदंशने समझायुतां पंचातम आराधि शुद्धनादि सुद्धारणम तिरुणपाणम सौसारण रचकालम वंशे पूजे उन्दाने वस्साय दुखको कमकौला श्रीगुणम स्माहेमृणम जिनगुण समृत्यो हो मत्सम जी जाया झाड़ी गिये कुमिकुलंकड़ी तेपुरी मुनवे तदानंदी कृपाए जिनाए पुरीमात्मने पुरीमात् प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमा रमूर्यंताणिम नमो सिद्धाणिम नमो आर्याणिम नमो छायाणिम नमो लोय सुविसाहुडम पंचपरमेष्ठी भगवानी की परम पूज्य आचार्य भगवान योगेंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान ब्रह्मदेव सूर्य की परम पूज्य आचार्य रविराग सागर मुनि महाराज की अहिंसा में विश्व धर्म की बंधु आचार्य प्रवर भगवत योगेंद्र स्वामी ग्रंथराज परमान प्रकाशी में ध्रुव ज्ञानानंद स्वामी भगवान आत्मा के सहज रूप का व्याख्यान कर रहे हैं। जो रत्नात्रय का भक्त है अहर्निश तत्व निर्णय में दृष्टि जिसकी है ऐसा जीव ही भव्य है। जिसको रत्नात्रय के प्रति भक्ति नहीं है उसको आचार्य योगेंद्र स्वामी कह रहे हैं उसकी भवितव्यता दूर है। भव्यत्व भाव अभव्यत्व भाव जीवत्व भाव पारणामिक भाव
इन तीन पारनामिक के अतिरिक्त और भी पारनामिक भाव हैं कि नहीं? ये तीन भाव ही मात्र पारनामिक नहीं है, इन तीन के अलावा भी पारनामिक भाव हैं। और वो पारनामिक भाव छह द्रव्य में पाए जाते हैं। अस्तित्व भी पारनामिक है, वस्तुत्व भी पारनामिक है, चेतनत्व भी पारनामिक है, अचेतनत्व भी पारनामिक है, प्रमेयत्व भी पारनामिक है, प्रदेशत्व भी पारनामिक है, कर्तृत्व भी पारनामिक है, भुक्तत्व भी पारनामिक है, और इतना ही नहीं अन्यत्व भी पारनामिक है। ये पारनामिक भाव है, लेकिन ये पारनामिक असाधारण भाव नहीं है, ये साधारण भाव है। और क्यों साधारण है? जीव द्रव्य के अलावा अन्य द्रव्यों में भी पाए जाते हैं, तो फिर पारनामिक क्यों है? जैसे जीवत्व में कर्म का छह चौषम का कोई स्थान नहीं है, कर्म से निरपेक्ष है, इसी प्रकार से अस्तित्व जो है वो भी कर्म निरपेक्ष है, बराबर अरिहंत अन्यत्व है वो भी कर्म निरपेक्ष है। अब प्रश्न यह है, अरिहंत विषय पकड़ना, प्रश्न यह है अन्यत्व पारनाम की हम व्याख्या कर रहे थे, किसकी? अन्यत्व पारनाम की व्याख्या कर रहे हैं जीवत्व के साथ। जब अन्यत्व ध्यान दो, थोड़ा गंभीर विषय, कल यहां आचार्य महाराज ने कहा था कि पंच परमेष्ठी की भी आपको आराधना करना चाहिए प्रारंभ में, और परमात्मा से निज आत्मा की आराधना करना चाहिए। तो निज आत्मा की ही आराधना करना चाहिए कि छह द्रव्यों का ध्यान कर सकते हैं आप? सुनना ध्यान से, छह द्रव्यों का ध्यान कर सकते हैं, और छह द्रव्यों आपके लिए ध्येय हैं, छह द्रव्य ध्येय हैं, एक भी ऐसा द्रव्य नहीं है जो ध्येय न बनता हो, यहां तक कि नाम भी नाम ध्येय है, नाम ध्येय है। पापियों का नाम निक्षेप मात्र है, रत्नात्र से मंडित आत्मा का नाम भी नाम थे हो जाते अरिहंत रमो अरियंताण। अनिल अचानक मनने का अरहंत का ध्यान करो, तो क्या अरहंत पाटनी का ध्यान करोगे आप? अरहंत भगवान का ध्यान करोगे? अंतर देखिए, अरहंत इस विभाग का नाम भी है, अरहंत परमेष्ठी है, परमेष्ठी का ध्यान है नाम ध्येय, पर पांच पाप में लिप्त आदमी का नाम नाम ध्येय नहीं है, नाम निक्षेप व्यवहार चलाने के लिए, ठीक है। इसी प्रकार से पंच परमेष्ठी में से कोई भी परमेष्ठी ले लीजिए, आप माला फेरते हो, जप करते हो, नाम ध्येय नाम थे, लेकिन किसी पापी का नाम लोगे, ध्यान करोगे? नहीं। अंतर समझना, असमान जाति पर्याय के साथ कोई पाप से युक्त जीव है वो तुम्हारे ध्यान का विषय नहीं बन पा रहा है, लेकिन वही जीव द्रव्य के नाम पर वो भी तुम्हारा ध्येय है, है? जीवत्व के नाम पर ध्येय है। अब यह विषय ये पकड़ना अरहंत भैया
कि मैं यहाँ पर जीव के साथ अन्यत्व पारिणामिक भाव की व्याख्या कर रहा हूं। महात्मा सारस्वत जी, प्लीज सागर जी, आज क्या पढ़ा राजवार्तिक में? अब अभी राजेश बोले मैं अभी 12 भावना पर उपदेश देके आ रहा हूं। कहां गया ज्ञानी? तो 12 भावना उपदेश देके आ रहा हूं। अब यहां विषय पकड़ना कि अन्यत्व पारिणामिक भाव और अन्यत्व पारिणामिक भाव, अकलंक स्वामी ने ये अन्यत्व पारिणामिक भाव की व्याख्या की है। अब अन्यत्व पारिणामिक भाव कहां से लाए? उमा स्वामी ने की कि नहीं की? बोले किए, सूत्र में कहीं नहीं मिलेगी, सूत्र में कहीं नहीं मिलेगी। सूत्र में तो लिखा जीव भव्या भव्यत्वानि च। अब च क्यों लिखा है? ये च इसलिए लिखा है कि जीवत्व भव्यत्व अभव्यत्व तो है ही, इसके अतिरिक्त और भी पारिणामिक भाव हैं वस्तु में। अब यहां सुनील भैया, अरिंद भैया देखना, अब यहां ऋषभ, जब मैं पारिणामिक भाव में जीव द्रव में अन्यत्व पारिणामिक की व्याख्या कर रहा था, यहां पर ही अभी 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 इसी बीच में को जीव कहे, आपकी भाषा हमारी परंपरा भाषा से दूर जा रही है। मित्र, मेरी भाषा परंपरा की भाषा से दूर नहीं जा रही है, आपने परंपरागत आगमों का अभ्यास नहीं किया, इसलिए आपको मेरी भाषा परंपरा से बाहर दिख रही है। आपने परंपरा के ग्रंथों का अभ्यास नहीं किया, आपने 2-4 ग्रंथों को पढ़ करके उसमें ही अपने पूरे जीवन की परंपरा निकाल रहे थे। सो आपको लगा नायक जी को कि बस इतना हमने पढ़ा, इतना ही जैन दर्शन, यही जैन दर्शन की भाषा है, ये हमारा दोष है, तुम्हारा दोष है। जो मैं व्याख्यान सुबह शाम बराबर कर रहा हूं ना नायक जी, मित्र विश्वासवान, जिन आगम के बाहर एक भी शब्द नहीं बोल रहा हूं, लेकिन फिर भी जो लोग परंपरागत जो एक दायरे में सीमित जीवन जी रहे थे, उन लोगों को लगता है कि ये बाहर का बोल रहे हैं, जबकि तुम भीतर प्रवेश ही नहीं लिए हो। प्राइमरी का छात्र प्राइमरी का टीचर, प्राइमरी का छात्र प्राइमरी का टीचर, अब प्राइमरी का अध्यापक उसकी वृद्ध अवस्था आ गई बेचारे की, लेकिन वो 5वीं क्लास के ऊपर की बात ही नहीं करता कभी। तो प्राइमरी के अध्यापक से और डॉक्टर देव कुमार जी ये पूछे, भाई उसके आगे हैं, वो बेचारा कुछ नहीं बताएगा। आप डॉक्टर्स हो, आप कॉलेज के प्रोफेसर रहे हो, मित्र आपका स्तर ऊंचा है, आपका स्तर ऊंचा है, लेकिन प्राइमरी के छात्र प्राइमरी का टीचर अध्यापक कॉलेज के प्रोफेसर प्राचार्य डीन आदि कुलपति इन लोगों को अज्ञानी घोषित ना करे। बोले क्यों? तुम्हारी योग्यता इतनी सी, उसको स्वीकार करो, इस योग्यता से ऊपर भी लोग हैं। बराबर अरिंद जमरी ने बात। अब चलिए, जो भारतीय विद्या अभ्यास में जिन शब्दों का चुनाव किया गया है, वे शब्द लाए कहां से? हमारे यहां से उठाए उन्होंने, स्नातक स्नातकोत्तर, ये 2 शब्द हैं और इनके चलते हैं देव कुमार जी के यहां कॉलेज में, बराबर चलते हैं ना, स्नातक और स्नातकोत्तर, ये 2 शब्द चल रहे कि नहीं? अब प्रश्न, ये 2 शब्द तुम कहां से लेके आए हो जिनको तुमने छात्रों पे लागू किया है? स्नातक मतलब जसवंती, स्नातक मतलब उसके ऊपर क्यों लगाएंगे? स्नातकोत्तर जो शब्द का जो प्रयोग कर रहे हो, क्यों कर रहे हैं आप अरियंत? क्यों
बस रुक जाइए, हमारे यहाँ स्नातक मुनि होते हैं, हमारे यहाँ स्नातक मुनि होते हैं। सुनिए, पुलाक, बकुश, कुशील, निर्गंत, स्नातक, हमारे पास मुनिराज के भेद की है। तो स्नातक जो मुनि है, यहाँ पर एक भी मुनि स्नातक नहीं है, मैं भी नहीं हूं, निर्गंत भी नहीं है, जो सूत्र के हिसाब से बात कर रहा हूं, निर्गंत भी नहीं है। पुलाक बकुश, मित्र, निर्गंत मुनि भी होते हैं जो बार में गुरुस्थान में विराजते हैं, भी निर्गंत मुनि कहलाते हैं, सामान्य से सभी निर्गंत। स्नातक जो मुनि होते हैं वे केवली भगवान होते हैं, अभी स्नातक मुनि हो चुके हैं, द्वादश सांग के ऊपर गए, द्वादश सांग की पढ़ाई इनकी समाप्त, ये स्नातक मुनि है। भूत प्रज्ञापन से मुनि शब्द जोड़िए, स्नाकोत्तर सिद्ध परमात्मा, कर्म सुन, कर्म सुन। अब प्रश्न है, अपनी क्षमता को देख करके अपनी बुद्धि का निर्णय कीजिए। आप मेरी बात पर ध्यान दें, सभी श्रोता, सभी सभा में बुद्धिमान लोग बैठे हैं, छत्तीसगढ़ शासन, अनिल भैया, प्रज्ञावंत लोग बैठे हुए यहां पर, बुद्धिमान लोग बैठे हुए यहां पर, बात पर ध्यान दो। अपनी प्रज्ञा से अपनी प्रज्ञा का ही निर्णय आप कर सकते हो, वस्तु तत्व का निर्णय आप नहीं कर रहे हो। कुछ कहोगे अरंतिस पर? अपनी प्रज्ञा से अपनी प्रज्ञा के विषय का ही निर्णय कर सकते हैं आप, न कि पूर्ण वस्तु तत्व का निर्णय आप कर रहे हो। यदि आपके ज्ञान से वस्तु तत्व का पूर्ण निर्णय हो गया तो केवली के ज्ञान का निर्णय क्या होगा? अहो छद्मस्तो, अहो छद्मस्तो, संपूर्ण तत्वों को जानते हुए भी संपूर्ण तत्वों की संपूर्ण पर्याय को नहीं जानते हो आप, बराबर? संपूर्ण तत्वों को जानते हुए भी संपूर्ण तत्वों की पर्यायों को, संपूर्ण पर्यायों को जीव नहीं जानता, छद्मस्त। अब जो जीव का जितना क्षोभ है, आपके चार अनियोग हैं, प्रथम अनियोग, करुण अनियोग, तरुण अनियोग, द्रव्य अनियोग, जिस अनियोग में तुम्हारा प्रवेश है उस अनियोग के तुम विद्वान हो, इसका तात्पर्य दूसरे अनियोग का विच्छेद नहीं करना, शादबाद का मतलब है, नहीं कि परिभाषा ये कि जो अपने विषय की व्याख्या तो करता हो, दूसरे विषय का निषेध नहीं करता हो, उसका नाम सम्यक न है, और जो दूसरे के विषय का निषेध करता है उसका नाम कुनय है। आज लोगों की धारणा कुने की ओर चल रही है, कुने की ओर, कुने की ओर, मतलब तात्पर्य क्या हुआ? मतलब ये हुआ, यदि अरहंत पाटनी जिस सिद्धांत को जानता है, अपने सिद्धांत की ना व्याख्या करना चाहिए, दूसरे सिद्धांत का निषेध नहीं कर सकते, उपेक्षा कर सकते हैं, निषेध नहीं कर सकते, उपेक्षा कर सकते हैं, उपेक्षा करेंगे तो सिद्धांत जीवित है, निषेध करेंगे तो इनका अरहंत का ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहलाएगा, बराबर? कहां से बोल रहा हूं मैं, कहां से बोल रहा हूं इस समय? सुनाइएगा इसलोग, क्या है, आप लोगों ने इस कारका को रट के रखा हुआ है, ये कारका जो है ना बहुत गहरी है, इसके अलावा भी कोई कारका है कि नहीं? ये सुनाना था आपको। अच्छा, जो परंपरागत आप उसका अर्थ करते ना, अधूरा अर्थ कर रहे हो, किसका? मिथ्या समूह, मिथ्या, हम मिथ्या के समूह को जैनी मिथ्या नहीं मानते,
सुनना ध्यान से, हम जैनी मिथ्या के समूह को मिथ्या नहीं मानते, तुम मिथ्या के समूह को मिथ्या मानते हो। मिथ्या समूह मिथ्या नहीं है, मिथ्या समूह मिथ्या नहीं है। समूह मिथ्या होगा तो सर्व वस्तु मिथ्या हो जाएगी। मिथ्या समूह मिथ्या चे ना, वो ना इधर लाइए। मिथ्या का समूह मिथ्या नहीं है, मिथ्या एकांत नया, एकांत नए मिथ्या है। एकांत नए का विषय मिथ्या नहीं है। अर्यन देखो मेरी तरफ, ये नवीन काला है क्या? नवीन भैया मित्र अरहन पाटनी मेरी तरफ देखो, मैंने कहा नवीन काला है क्या? ठीक कोई बात नहीं, ये मेरे लिए जीव द्रव दिख रहा है नवीन काला। ठीक है, ये जीव द्रव दिख रहा है, ऋषभ पाटनी मुझे जीव द्रव दिख रहे हैं। ठीक, अब कोई व्यक्ति अरहंत पाटनी का ये जो है ना नवीन काला जी है ना, ये तो मेरा जीजा जी ही है। बोलो जीजा जी ही है। ऐसे इनने चार लोग खड़े कर लिए, जिसको कोई बोलते है अरहंत पाटनी मेरा जीजा जी है, ये जीजा जी ही है। ठहरी है, तो इन्होंने नवीन काला शायद पुष्पेंद्र को पकड़ लिया, नायक को पकड़ लिया, सुमिति को पकड़ लिया, चार पांच लोग खड़े कर लिए, बोले ये मेरा ये जीजा जी है। तो जीजा जी ही है, सारे संबंध नष्ट हो गए। आपके जीजा जी आपके पिताजी के कौन है? जीजा जी वे अपने पिताजी के कौन है? जीजा जी आपकी माँ के कौन है? जीजा जी आपके ससुर के कौन है? जीजा जी कि नवीन काला आपके जीजा जी है कि जीजा जी ही है? सारस्वत सागर जी मिथ्या का समूह मिथ्या नहीं है, ध्यान रखिए। ना मिथ्या का समूह मिथ्या है, ये अरहंत कह रहे हैं कि चार लोग मेरे जीजा जी है, तो इनकी दृष्टि में आप क्या कहो एकांत ने से बोल रहे हैं, और ये तो इन्होंने मिथ्या का समूह बना लिया, मिथ्या का समूह बना लिया। अरे मिथ्या का समूह मिथ्या नहीं हो गया, अरहंत के नए की एकांतता मिथ्या है। वो तो जीजा भी है, भाई भी है, भतीजा भी है। सुनिए भी मित्र, समझो मित्र समझो। अब सामान्य बच्चों को समझाने की बात नहीं चल रही यहां पर, यहां आप प्रौढ़ ज्ञानी लोग बैठे हो, समझो ध्यान से। नवीन काला जीजा जी नहीं है। हाँ, जो मिथ्या दृष्टि जीव जिसे अपना मिथ्या का रूप देख रहा है, वो वस्तु मिथ्या है क्या? वो वस्तु मिथ्या है क्या? नवीन काला की जगह मैं दूसरा दृष्टांत लेके आऊं क्या? एक मूर्ति रखी हुई है, अतः एक चट्टान है, कोई आकार नहीं है उसका। उस चट्टान को कोई निक्षेप लगा रहा है, उस चट्टान को कोई कह रहा है ये अमुक देवता है, कोई कह रहा अमुक देवता है, कोई कह रहा अमुक देवता है। उस देवता के नाम पर उसको मिथ्या किया जा रहा है। चट्टान मिथ्या है क्या? चट्टान मिथ्या क्या? 50 चट्टाने पड़ी हुई है, मिथ्या है क्या? चट्टाने मिथ्या नहीं है। वो विपरीत मिथ्या दृष्टियों के द्वारा मान्य की गई दृष्टि मिथ्या है। वस्तु तो वस्तु है, वस्तु तो वस्तु है। इसलिए मिथ्या सो मिथ्या चेकांत ना, मिथ्या वस्तु मिथ्या नहीं है। चेकांत न्या मिथ्या, निरपेक्ष नया मिथ्या, एकांत से जो निरपेक्ष नए उसका नाम मिथ्या है। उसमें अर्थ क्रियाकारत नहीं बनता, पर वस्तु में तो अर्थ क्रियाकारत तो है, है? इसलिए जितने विपरीत अवधारणा है,
वे वस्तुओं में नहीं है, व्यक्ति की दृष्टि में है। थोड़ा कठिन हो रहा है लेकिन समझने की कोशिश करो। मिथ्यापना वस्तु में है कि व्यक्ति की दृष्टि में है? व्यक्ति की दृष्टि मिथ्या है, वस्तु मिथ्या नहीं है। वस्तु मिथ्या नहीं है। एक स्त्री को कोई मां कहने वाला भी है तो कोई उसको पत्नी कह रहा है। स्त्री तो स्त्री है, वस्तु वस्तु है, वस्तु वस्तु है। और जो वस्तु धर्म को नहीं समझता, अब ज्ञानी इस सूत्र को तो कारका को आपने बोल दिया, दूसरी कारका बोली द्रोमेक मनिकता, द्रव मेक मनिकता। एक ही द्रव्य अनेक है, है? एक ही द्रव्य अनेक है। संजय सतना मित्र पुत्र हो कि पिता हो, मित्र ससुर हो कि सासु, ससुर हो कि दामाद हो, संजय सतना भाई हो कि भतीजे हो, संजय सतना भांजा है कि दामाद है, तुम एक हो कि अनेक हो, एक हो कि अनेक हो, एक हो कि अनेक हो, वस्तु में एक होने पर भी संबंध में अनेक हो। अर्यंत ये भाई सतना संबंध में अनेक है कि स्वभाव में भी अनेक है? धीरे धीरे प्रवेश करा रहा हूं मैं आपका। ये संबंध में ही अनेक है, संबंध का अनेक बना तो सबको समझ में आ गया, पूरी सभा को समझ में आ गया, बराबर ना? जैसा संजय सतना है ऐसे आप लोग भी ना, ठीक। अब अगला प्रश्न है, ये संजय भाई संबंध में अनेक है कि स्वभाव में भी अनेक है? स्वभाव में अनेक, बोले कैसे? ज्ञान स्वभावी है, दर्शन स्वभावी है, है? दर्शन है, ज्ञान है, है। शरीर दृष्टि से सप्त धातु में से युक्त शरीर है, सात रूप है। और आत्मा की दृष्टि से ज्ञान दर्शन सुखबीर अनेक स्वभावी है। तो वस्तु संबंध से भी अनेक रूप है, स्वभाव से भी अनेक रूप है, और द्रवित्व की अपेक्षा से अपने आप में एक रूप है। द्रवगुण पर्याय की दृष्टि से अनेक रूप है। इसलिए महात्मा बंबई मांगीलाल जी, विश्वास मानो मित्र, बैठे रहो आप तो विश्वास मानो मित्र, आगम को समझने के लिए विशाल बुद्धि चाहिए, आंख विशाल चाहिए, नई की। यहां बैठते ही आपको समझ में आने लग गया, आप जितने दिन से यहां सुन रहे हो मेरे लिए, आपको समझ में आ रहा है कि और कितना गहरा सोचना पड़ेगा। लेकिन मेरे ज्ञान को भी पूर्ण मत मानना, हमसे भी बड़े ज्ञानी केवल श्रवक हैं। मैं छत्मस्त हूं, छदमस्तों में भी श्रुत केवली भगवंत होते हैं। मैं जो समझ रहा हूं अपनी प्रज्ञा से, अपनी बुद्धि समझ रहा हूं, लेकिन उतनी बुद्धि प्रमाण जो आगम में मिलान खा रही है, और जिसकी बुद्धि आगम में मिलान खा नहीं खाती है उसकी बुद्धि प्रमाणित नहीं है। अब अर्यंत हमने बोला अन्यत्व पारणामिक भाव,
अब अन्यत्य प्राणामिक भाव, जिस जीव को मात्र सामान्य ज्ञान है वो यही समझता तीन ही प्राणामिक भाव है, उसको मैंने समझाया तो कहेगा ये तो आप पता नहीं कहां से बोलते रहते हो, कहां से नहीं मिलता रहता हूं, आप कहां तक पहुंचे नहीं हो। क्या बोले भैया? चलिए बहुत अच्छा प्रश्न इनका। हमारे आगे में दो धाराएं हैं और अब देव कुमार जी की बत्ती से निकल गई है, दांत नहीं है, वो वृद्ध हो गए हैं। अरिहंत अधिकांश है लोग क्या समझते हैं, वो ना समझ है। सुनना आप, जो नहीं जानता उस व्यक्ति के पास बगल में बैठो, वो शांति से उनकी बात सुनो, वो अभ्यास किए हैं और तत्व को सुने हैं, ठीक है। पर स्थिति होती है वृद्धों की लज्जा, वृद्धों की इज्जत मौन ही है, वे शांत बैठे रहते हैं तो लोग सम्मान देते हैं। अभी मैंने गोष्ठी में देखा उन्हें एक दिन भी बोला नहीं, शांति से बैठे रहे, तो लोगों ने उनको खूब सम्मान किया, सारे विद्वानों ने। मौन बैठे मतलब इसका मतलब है कि ये जानते नहीं है, विषय जानते हैं। कुछ ऐसे विषय अरिहंत जो जानते तो हैं वो, पर कहने की क्षमता नहीं। इस आप मानते इस बात को, जो मैं उपदेश कर रहा हूं इस समय थोड़ा गंभीर है, लेकिन आप लोगों को समझ में आ रहा है इसका मतलब, आप जानते हो, आप जानते हो तभी ग्रहण कर रहे हो, लेकिन कह नहीं पा रहे हो। अब आपका प्रश्न था कि एक द्रव्य में सप्तभंगी के भिन्न द्रव्य में सप्तभंगी, आपके पास दो कारक है, भेद कारक अभेद कारक। भेद कारक की दृष्टि से व्याख्या करेंगे तो दो द्रव्य के बीच घटित करेंगे आप, अभेद कारक से व्याख्या करेंगे तो एक द्रव्य में घटित होंगे, बराबर। तो एक द्रव में ही सप्तभंगी लगेगी, फिर नए सप्तभंगी प्रमाण सप्तभंगी, नए सप्तभंगी प्रमाण सप्तभंगी, नए सप्तभंगी अपना विषय बोलेगी, एव कार्य सिद्ध होगी और प्रमाण सप्तभंगी अपिसिक्त होगी, बराबर। कुंभकार ने विषय तो दृष्टांत वही बाहर के दिए जाएंगे, कुंभकार ने करता घट को, घट को पुष्पेंद्र भाई देखो मित्र, घट को चक्के के द्वारा पानी भरने के लिए अपने हाथ से अपने मकान में बैठ करके, मकान में बैठ करके घट निर्मित किया राजा के को देने के लिए, सप्तभंगी लग चुके, वो सात षट कारक लग चुके हैं, भेद कारक, ठीक है। आइए, मिट्टी ने मिट्टी को, मिट्टी के द्वारा मिट्टी के लिए, मिट्टी से मिट्टी को मिट्टी में घट निर्मित किया, ये सत्य है कि नहीं? सत्य है, वो सत्य था कि नहीं? वो भी सत्य है। भेद कारक भी अवस्तु नहीं है, अभेद कारक भी वस्तु नहीं है। भेद कारक भी अवस्तु नहीं है, ध्यान रखना, अभेद कारक भी वस्तु नहीं है। अब वस्तु की तो व्याख्या ही नहीं होती है, सभी वस्तु भूत है, जो भी चिंतन चल रहा है वस्तु पर चल रहा है। इसलिए आचार्य समन्तवद स्वामी को कहना पड़ा, मिथ्या धारणाओं में जीने वाले जीवों, वस्तु मिथ्या नहीं है, तुम्हारी धारणा मिथ्या है।
विपरीतता का चिंतन भी वस्तु पर चलता है और सम्यक का चिंतन भी वस्तु पर चलता है। इसलिए मिथ्या का समूह मिथ्या नहीं है, निरपेक्ष नया मिथ्या है। दूसरा श्लोक क्या कह रहा था महात्मा जी? मतलब तो नए उपनय अर्यंत नए उपनय कथन शैली मात्र है कि ऐसे वस्तु है, सुनिए जो गोष्ठी में हमने विद्वानों को समझाया था, मैंने जान के पूछा रंत से, अर्यंतो अर्यंतो पाटने जी, वो मुमुक्षु नवीन कला बडनगर से आया है, वो बड़े ध्यान से सुन रहा है, बहुत दिन का प्यासा आदमी है। बोले इसलिए सुना ध्यान से कि हम मुमुक्षु मंडल में जाके बोल सकते हैं कि निश्चय व्यवहार दो ही बातें नहीं है, विराट है जैनागम। अरे पुनः प्रश्न, जैसा उत्तर अभी दिया वैसे ही देना, जो कहती हूँ ये जो नए उपनय है ये वस्तु व्यवस्था है कि विवक्षा है? तुमने अपेक्षा पहले नहीं बोली थी, अपेक्षा पहले नहीं बोला था आपने? मित्रों पुनः प्रश्न है, ये नए उपनय कथन शैली है कि वस्तु व्यवस्था है? मित्र आजकल तुम जैसे मुमुक्षुओं ने बिना पिच्छी का मंडल लिए ऐसी व्याख्या करते रहे हो, इसे सुधार कीजिए। नए कथन शैली मात्र नहीं है। यदि आपने कथन शैली मात्र भूल दिया तो अहो ज्ञानी जैनियो, तुम बुद्ध हो जाओगे, बुद्ध जैन नहीं बचोगे। इसलिए मैं न्याय शास्त्र पर जोर दे रहा हूं, नए उपने कथन शैली मात्र नहीं है। आला पद्धति वचन नए चक्रपति उच्चते, वो आला पद्धति जो वचन रचना है वो नए चक्र के ऊपर लिखी गई है। मात आला पद्धति मात नहीं है, आलाप जो होता है, आलाप जो होता है वस्तु पर होता है, वस्तु पर आलाप, आलाप जानते ना आप लोग, आलाप आलाप ही चल रहा है वचन बोलना। तू मित्र पुष्पेंद्र भाई, एक नायक नाम का आदमी बैठा है, कहां गया? सुनिए ध्यान से, तो जो मैंने बोला है ये शब्द की कल्पना मात्र के लिए बोला है कि वस्तु थी इसलिए प्रयोग किया है। अर्यन इसलिए बौद्ध दर्शन कहता है शब्द ही प्रयोग है, अर्थ नहीं है, अर्थ नहीं है, अर्थ नहीं है। तब समंत जैसे योगी लिखते हैं बाह्य अर्थ के बिना शब्द का प्रयोग क्यों? बाह्य अर्थ के बिना यदि हमने कहा जीजा तो कोई संबंध वैसा है इसलिए जीजा का प्रयोग है। नए उपने लग रहे हैं इसका मतलब बेसंबंध है, वस्तु वैसी है, लेकिन नए उपनय से शून्य देखेंगे तो वस्तु वस्तु मात दिखेगी। विकल्प शून्य, विकल्प शून्य। यहां पर तन्मय सोचना पड़ेगा, जैन मुनि बनने के लिए मात्र अपनी चर्या करने के लिए मुनि बन के जीना है तो जी सकते सामान्य जीवन, लेकिन तत्व ज्ञान की गहराई में मुनि बनोगे ना तो बेटा घनघोर जैनागम का अभ्यास करना पड़ेगा, तब आपको किसी की बुद्धि को आप बुद्धि के भेष के गुरु तो दीक्षा लेते ही बन जाते हैं और भावों के गुरु बन सकते हो, पर गुरुओं को दबाने के गुरु आगम पढ़ के ही बन पाओगे। बराबर, विद्वानों के गुरु तुम
पूज्यता के गुरु तो मुनि बनते ही बन जाओगे, पर विद्वानों के गुरु बनना चाहते हो तो जिनागम के गुण रहस्य में प्रवेश करना पड़ेगा। सामान्य आदमी को डांट के बिठा सकते हो, ये तुम कह सकते हो, ये भीड़ को बता सकते हो, यहां नहीं जाना, वहां जाना, वहां नहीं जाना, यहां जाना, ये भीड़ चली जाएगी, वैसे मान लेगी। लेकिन बुद्धिजीवी को यहां नहीं जाना तो वो कहेगा क्यों नहीं जाना, इसका उत्तर देना आना चाहिए। बराबर, इसलिए सर्वथा किसी वस्तु को अरिहंत पाटनी ऐसा बोलते हैं, ये गलत बोल रहे हैं। नहीं, आपने जाना नहीं है इसलिए गलत आप बोल रहे हो, आप ही गलत हो। अन्यत्व प्राणामिक भाव सुना था पहले, अन्यत्व प्राणामिक भाव कब सुना? तो अन्यत्व प्राणामिक भाव, ये अन्यत्व प्राणामिक भाव मेरे अंदर है कि नहीं, आपके अंदर है कि नहीं, इस पेंसिल के अंदर है कि नहीं, माइक के अंदर है, जितने यहां बैठे सबके पास है। इस प्राणाम से कोई अछूता नहीं है, इसके बल पर ही ये पेन इस माइक से पृथक है। किसके बल पर? अन्यत्व प्राणामय के बल पर। मैं आपसे भिन्न हूं, जीव जीव होने पर भी मैं आप नहीं हूं, ये अन्यत्व प्राणामिक है। अब अन्यत्व प्राणामिक कहता हूं तो कठिन लगता है, अन्यत्व भावना बोलूं तो आपको अच्छे से याद है। सुनिए, आगम से के बाहर अन्यत्व भावना दी हो तो मैच नहीं खाएगी, वो आगम में है तो मैच खाएगी। सुनिए अब ध्यान से, अन्यत्व भावना दो प्रकार की है आपके यहां, प्रत्येक वस्तु दो प्रकार की है। सम्यक दर्शन का जो निसंकित अंग है वो दो प्रकार का है, निश्चय निसंक, व्यवहार निसंक है कि नहीं। अन्यत्व भी दो प्रकार का है, व्यवहार नित, निश्चय नित। तो आपके प्रश्न से तुम गदगद रहो, मैं भी गदगद हूं, कम से कम खुलासा तो हो रहा है। अब ये खुलासा तो नहीं कर रहे हैं, झगड़ा करवा रहे हैं, वो कह रहे आगम में नहीं है, आगम में नहीं है। अरे तुम्हारी बुद्धि नहीं प्रवेश कर रही तो आगम का निषेध क्यों कर रहे हो, आगम में है। अब कैसे है अन्यत्व दो प्रकार का? सुनिए, अन्यत्व दो प्रकार कैसा हो गया? पहले मैं कहूंगा अन्यत्व भावना का छंद बोलो, अन्यत्व भावना का छंद बोलिए, आप भूधरदास का बोल दीजिए। नवीन तुम्हारा राजेश कहाँ गया? अन्यत्व भावना मयंक, अन्यत्व भावना, अन्यत्व भावना, वो मैं तो बोल ही दूंगा, लेकिन मैं सोच रहा तुम लोग की भावना भा रहे कि नहीं भाग रहे हो। ब्रह्मचारी हो, सर्वार सागर जी, ओहो हो, प्रणीत सागर जी, प्रणव सागर जी, संजत सागर जी, अन्यत्व भावना का छंद बोलिए। अब सोचो आप तपस्या कर रहे हैं, अन्यत्व भावना का छंद तो कैसे? अरे अभी रुकिए, अभी परीक्षा करो सबकी। महात्मा जी, हाँ आप बारह भावना से बोलना है, दौलत राम ए भूधरदास की, ओह सर्वा सागरी, समय सार पढ़ रहे हैं, प्रवचन सार पढ़ रहे हैं, अन्यत्व भावना बोलिए। है हाँ हाँ बोलिए भाई श्याम सागर जी, चलो बेटा चिंता मत करो, अब की चतुर्दशी को इन बारह भावना का पार्टी करने को दूंगा तुमको। आई हाँ लाला पुत्र आशी भाई, अन्यत्र भावना कहाँ भैया, पुस्तक लेने जा रहे क्या?
अन्यत्र भावना, देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं। पहले आपको अन्यत्र किसे किया, बपुर ग्रह धनम द्वारा पुत्ता मित्ता सर्वथा सर्वतान्य स्वावानी मूढ़ा स्वानी प्रवृत्ति, सुना ये अन्यत्र भावना की ओर जा रही है। शरीर धन धरती जहाँ अपनी देही अपनी नहीं, अन्य है अन्य अन्य है, ये व्यवहार का अन्य हो गया, ये व्यवहार से अन्य हो गया। अब निश्चय के अन्य में आइए, अब निश्चय के दो भाग करो, अशुद्ध निश्चय ने शुद्ध निश्चय ने, तो अशुद्ध निश्चय ने से अर्यंत राग देश प्रणाम ये मेरे भाव नहीं है, अन्यत्व भावना होगी कि नहीं। जब राग देश भाव मेरे परिणाम नहीं है, ऐसा अन्यत्व का निर्णय कर रहा है वो जीव निश्चय शुद्ध निश्चय में प्रवेश करेगा तो अन्यत्व भावना में वितराग भाव आएगा कि नहीं आएगा, स्पष्ट बोलिए। ठहरो ठहरो ठहरो, प्रश्न का उत्तर प्रश्न पर, अन्यत्व भावना में वितराग भाव आएगा कि नहीं आएगा, राग रहित होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा कब? अरे भाई शुद्ध निश्चय से समझो ना, शुद्ध निश्चय से वितरागता एक प्रकार की नहीं है। वितरागता को भेद कीजिए आप, चतुर्थ गुण स्थान की वितरागता, ठहरिए बारहवें गुण स्थान में अन्यत्व भावना रहेगी कि नहीं, ठीक है ना, वहां पर वितरागता रहेगी कि नहीं, चौथे गुणस्थान में वितरागता रहेगी कि नहीं, चौथे में ओ राजवार्तिक पढ़ने के बाद भी मना कर रहा है आपको, जैसे वैसे मान लो ना, आप तो सीधा निषेध कर देते हो। मैं ये क्यों खुलासा करा रहा हूं, इसलिए खुलासा करा रहा हूं, आप लोग जो दूसरे पत्र का खंडन करने बैठे तुम भी कहीं दबे हो, आप खुल के बोलो ना, जैसे मैं बोलता हूं संजय नाइक विश्वास मानिए, देश के कोई आचार्य मुनि को मेरे साथ विराजमान करो, उनकी जितनी गांठें बंधी हुई हैं वे कहीं ना कहीं पकड़े जाएंगे। बोले आप दूसरे पक्ष का खंडन तो करने बैठे हो, पहले खुलासा करो ना स्पष्ट, तो मालूम चला कि तुम स्वयं भूल में बैठे हो, दूसरे को भूल दिखा रहे हो। अब जैसे अरंत की यहाँ भूल निकाल रहा हूं मैं, लड़ने नहीं रहा हूं, ध्यान रखना अपना शिष्य, मैं नहीं समझाऊंगा तो उसको कोई समझाने वाला नहीं है। अरियंत देखो, चतुर्थ गुण स्थान में आप जब अकेले होते हो ऋषभ के साथ तो आप पूर्ण रूप से वितरागता का अभाव कराते हो, जब मेरे पास आते हो तो तुमको भेद विज्ञान की वितरागता जाती है, आई कि नहीं आई? मित्र राजवार्तिक में अकलंक स्वामी ने चतुर्थ गुण स्थान में वितराग संज्ञा दी है, किस अपेक्षा दी है? छायक सम्मित की अपेक्षा से। तो हमको खुलासा बोलना चाहिए, छुपाएं क्यों, वहां पर वितराग संज्ञा है, लेकिन ये दर्शन मोह के कर्म की छपड़ा की दृष्टि से वितराग है, न कि चारित्र मोह की अपेक्षा, वो तो सराग ही है। कहना पड़ेगा कोई मुमुक्षु मंडल का ज्ञानी आया, मैं उससे कहूंगा चतुर्थ गुणस्थान में वितरागता नहीं सरागता है, उसे मानना पड़ेगी चारित्र मोह की अपेक्षा से सरागता है, दर्शन मुनि की सपने पे से वितरागता है। अब क्रम से गुणस्थान क्रम से चढ़ते चलाइए, फिर आपको भगवत अमृत स्वामी की कार का विराजमान कर लेना चाहिए। एनां सेनम दर्शनम तेनां शेनम बंधनम नास्ति, एनां सेनम रागस तेनां शेनम बंधनम भवति, एनां सेनम ज्ञानम तेनां शेनम बंधनम नास्ति, एनां सेनम रागस तेनां शेनम बंधनम भवति, एनां सेनम चारित्रम तेनां शेनम बंधनम नास्ति, एनां सेनम रागस तेनां शेनम बंधनम भवति। ये हमने नहीं बनाई कार का, हमने तो याद की है। मित्र अमृतचंद स्वामी कह रहे हैं, मालूम अर्यंत हम छोटे में क्या सुनते थे, अरे जैसा लोगों ने पढ़ा दिया वैसा हम ही सोच लिए। एक सज्जन ने हमें पढ़ाया, जब एनान सेन की भरत हुई, बोले आत्मा के टुकड़े होते क्या, आत्मा के अंश होते क्या, इस प्रकार से हमें समझा दिया। तो मैं भी बोलने लगा, हाँ ठीक तो कह रहे हैं, ये आत्मा के अंश थोड़े होते हैं। बाद में जब अपनी प्रज्ञा को आगम में लेके गए, हमने ये गलत समझाया था उन्होंने,
या टुकड़े नहीं करा रहे हैं, या अंश से तात्पर्य समझिए। देखिए मैं अभी समझा देता हूँ, बहुत सरल है। यानी साग में नमक, दूध में मिश्री। ओ बालक राजीव, बेटा मीठा दूध पिया? दूध मीठा था कि शक्कर मीठी थी? कितना मीठा था? देखना बेटा, देख मीठे, तीन प्रकार के मीठे दूध होते हैं, फीका मीठा, हल्का मीठा, उससे अधिक मीठा, एकदम मीठा, वो ऐसा मीठा कि पिया ही नहीं जा रहा है, सत्य है। अब देखो जितने अंश में मिश्री थी उतने अंश में मीठा था, जितने अंश में मिश्री नहीं थी उतने अंश में फीका था। अरिंद बराबर, ऐसा विषय था। अब ये विषय लगाने के लिए तत्वसूत का पांच मध्य समझ में आया आदमी को, पूरे समय सार समझ में आ जाए, पांच मध्य है। क्योंकि हमारा ये समय सार है, तत्व सूत्र है, ये रसायन शास्त्र है। ये क्या ना, रसायन शास्त्र, इनकी व्याख्या रसायन से होती है, पंचाशिका है, प्रवचन सार है, ये रसायन शास्त्र है। अब जितनी अंश में, अब अरिहंत वैसे समझ में, उसने तो मुझे समझा दिया था छोटे में, बोले टुकड़े होंगे क्या आत्मा के, तो मैं भी कहने लगा हाँ आत्मा के टुकड़े नहीं होते हैं, कैसे अंश अंश में सम्यक होता है, कैसे अंश में ज्ञान होता, नहीं होता है अंश में। श्री धवला जी में दूसरा दृष्टांत दे रहे हैं, आकाश में बादल छाए हुए हैं, सूर्य दिखता है, कहीं अधिक कहीं कम, कहीं अधिक कहीं कम, क्यों अरण सत्य है, किरणें फूट रही हैं। ये दृष्टांत देखो, मैं तुरंत दृष्टांत बना सकता हूँ, लेकिन मैं जान करके जो लिखा वही बता रहा हूँ। सूर्य की किरणें फूट रही हैं, तो जितने अंश खुलता सूर्य का उतना प्रकाश होता है, देखा? अच्छा, इसको नहीं मानोगे आप तो सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण की मान्यता तुम्हारी नष्ट हो जाएगी। एक आगम से थोड़ी बोल पाएंगे आप, त्रिलोक पंडित के पास चलिए, त्रिलोक साजी पाए, लोक विभाग के पास चलिए। देखो नवीन भैया, अब आप मेरी बात को बहुत अच्छे सुन रहे हो, आपका चेहरा कह रहा है, विषय समझो। इतने गहरा तत्व के ज्ञान में डूबा हुआ व्यक्ति होना, अब आपका हृदय बोलेगा गुरु जी इस मस्तिष्क को मैं टेंशन नहीं देना चाहता, आपके घर में बहुत अच्छी मशीन रखी होती ना कोई विशेष, भारत के पास भी बड़ी बड़ी मिसाइल हैं, बड़ी बड़ी मशीनें अरिंद रखी हैं, बिल्कुल सुरक्षित रखी कि नहीं। ऐसे माना कि नवीन की बुद्धि अरिंद की बुद्धि है, नायक जी अब मेरी बात सुनो मित्र, आप जैसे समाज के अध्यक्षों को चाहिए, समाज में प्रतिभा संपन्न बच्चे हैं, उसे आप ये मत मानो कि पुष्पेंद्र का बच्चा है, कि हैदराबाद का बच्चा, कि नायक का बच्चा, कि काला नवीन का बच्चा, ये मत सोचो, ये मान के चलिए जैसे समझदार लोग रायपुर में यदि कोई धान हुआ तो दूसरे गोदाम भी ले जा सकते हैं, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश भी ले जा सकते हैं, माना कि वहाँ की गोदामें भर चुकी हैं, यहाँ पर ही एक गोदाम बनाकर वहाँ सुरक्षित कर दीजिए, देश के काम में आएगी ना वे धान। ऐसे ही यदि राज्य में कोई बच्चा होशियार है, वहाँ जाइए आप, उस लड़के का सम्मान कीजिए, उनके माता पिता भूल के आना, इस बच्चे को आप आगे बढ़ाइए, ये तुम्हारे द्वारा वहाँ की फसल वहीं सुरक्षित कर दी गई है। जैसे यहाँ पर कोई आए, यहाँ ग्रंथालय बहुत बड़ा है मंदिर में, नवीन थोड़ा ध्यान रखना, आजकल कुछ त्यागी वृत्ति ऐसे आते हैं, हम तुम्हारे ग्रंथ सुरक्षित कर उठा ले जाते हैं, बोले आप यहीं सुरक्षित कर दीजिए, तुमने एक जगह इकट्ठी कर दिए, समझ गए आप, किसी मन चले की बुद्धि भ्रष्ट हो गई, एक काड़ी लगा दी, हमारे पूरे देश का आगम तुमने एक ही दिन में नष्ट कर दिया, ये गलत कर रहे जो मंदिर मंदिर से सांसों उठा करके ताड़ पत्र की हस्तलिखित प्रतियां एक साथ ढेर लगा रहे हैं अपने अहंकार के पीछे। नवीन भाई पूरे अवंती प्रांत में, मालवा में घोषणा कर देना, बड़नगर में बहुत ग्रंथ हैं, इंदौर में बहुत ग्रंथ हैं, किसी भी व्यक्ति को दिखाओ, सामने खड़े रहना, उठाने मत देना, बोले दर्शन कर लो जाइए, बोले मैं सुरक्षा करूँगा अपने गाँव ले, बिल्कुल नहीं,
आप सुरक्षा की विधि यहां बताइए, मैं यहीं सुरक्षित करूंगा। फैले रहना चाहिए, मालूम सुब्रिस आगे मैं घर घर में कह रहा हूं, घर घर में ग्रंथ बांटो आप। तो बोल क्यों, मंदिर स्थाई स्थान है, नियत स्थान है, किसी ने उपसर किया मेरे मंदिर के ग्रंथ नष्ट हो गए, घर घर में तो बचे रहेंगे, बिजनवाणी फिर आगे बढ़ेगी। जो सिटियों में समाज भाग रही है, एकदम संग्रह हो रही है, वो सर्वथा ठीक नहीं है। छोटी छोटी सिटियों में भी जैनियों को रहना चाहिए, और वो रहेगी कब, जब नायक अपनी बिटिया छोटे गांव में देगा, जब रह पाएगी। देखो विषय आप गहरे में जाइए, नहीं तो नहीं रह रहे लोग, भाग रहे सिटी की ओर। कहीं सिटी में उपसर्ग हुआ, बड़ी सिटियों में तुम सब आ गए, एक दिन में पूरी समाज समाप्त हो जाएगी। छोटे छोटे नगरों में भी रहिए, बटे रहो, फैले रहो। ऐसे मित्र, अनिल भैया मेरी बात समझ में आ रही ना आपको, आपको छत्तीसगढ़ शासन ने एक पद दे के रखा है, उसको भोगी मत करो, उपयोग करो। अपनी योग्यता की बात में बच्चों के बीच में बोलो, तुम जैनियों के यहाँ प्रदूषण हुए, इतनी विधान हो रहे हैं, पंचरंग हो रहे हैं, वहां पहुंचो आप, बोलो मैं छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से चुना गया हूं, और भाषण करो, बच्चों में उमंग भरो कि बेटा आप भी ऐसे ऊंचे स्थानों पर जा सकते हो। व्यवहार की बात कर रहा हूं ना, ये व्यवहार ही निश्चय की ओर ले जाएगा तुमको। तो अरिहंत क्या किया, व्यवहार इतना फैला दिया हमने, अब आइए। तो जब एक युवा हमारा विद्वान बन गया, अब माना कि उसको ऐसी पत्नी मिली कलहकारी, बुद्धि खोखला कर रही है, वो पत्नी को पति दिख रहा है पर वो पागल है पत्नी, उसे चाहिए है कि जैसे भारत सरकार अपने देश के सुंदर सुंदर विद्वानों को, सुंदर वस्तुओं को बिल्कुल सुरक्षित किए है, ऐसे धर्म पत्नियों का भी कर्तव्य है, अपने पति को पति मत मानो, अपने पति की बुद्धि को जैन दर्शन की धरोहर मानो, उसको तुम खुश रखो। इसी प्रकार से मुनि संघ है, तुम्हारे संघ में कोई विशिष्ट ज्ञानी साधु है, गुरु है, आचार्य, उपाध्याय, साधु कोई भी है, तुम्हारे संप्रदाय में कोई भी संघ के हो, उनको तुम सुरक्षित वहीं छोड़ दीजिए, उनको बिल्कुल तनाव मत दो। बोले महाराज सुख से रहो, सुख से आहार करो, सुख से पानी पियो, सुख से साधना करो। बोले मुझे आपकी बुद्धि की चिंता है, आपके अंदर अभी सुब्रत सागर के ज्ञानपीठ से ग्रंथ छप रहा था वस्तुत्व महाकाव्य, मालूम तो हुआ क्या है बताओ भाई, पूरी की पूरी फाइल गुल हो गई। क्यों हो गई, उनके कंप्यूटर में वायरस घुस गया, तो पूरी फाइल ही नष्ट हो गई। उनके पास कॉपी थी, फोटो उसको बच गई, लेकिन वो कंप्यूटर को समाप्त हो गया, पूरी गई, पूरा डाटा समाप्त। ऐसे मित्र, कोई विद्वान की पत्नी हो, विद्वान की माँ हो, मुनियों की संघ के सदस्य हो, मुरजाज हो, मित्र तुम उनकी बुद्धि में वायरस बन के मत रहना, उनकी बुद्धि को खोखला मत करना। वो तो फोटो कापी थी, सो बन गया काम, लेकिन बुद्धि की फोटो कापी नहीं होती। ताली क्यों बजाएं? अरियंत सुन रहा है कि नहीं मित्र, बुद्धि की फोटो कापी नहीं होती। देवी गुस्सा करे तो तू पैर पड़ लेना, बोले देवी तू मेरा हाथ पैर कुचर दे, लेकिन बुद्धि मत खाए, इसमें जिनवाणी भरी है। अच्छा लगा आपको, तो अपने अपने घर में जाके बोल दे, माता सुना ना आपने, जितने देश में माताएं बहनें हों सबको आप फोन कर देना, बोले अपने अपने पति की बुद्धि को खोखला मत करना, एक पक्ष में मत जाना, अनेकांत में जाना। इसलिए विश्वास मानिए, जो एकदम नकारात्मक चल रहा है, अरिहंत मैं आपको 2 मिनट के अंदर सही कर दूं, 2 मिनट के अंदर, क्या 1 मिनट नहीं लगे। देखिए देखिए, अरिहंत निश्चय व्यवहार नय का विद्वान है, उसे हर बात व्यवहार नय की अच्छी लगती है, और निश्चय की बात सुनते ही उसको एकदम तीखा लगता है, ठीक है, ऐसा मान लो 1 मिनट के लिए, ठीक। यदि अरिहंत नाम का विद्वान ऐसा मानने लग जाए कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री अपनी सीमा के दायरे में है,
उनको अपने राज्य की वृद्धि की दृष्टि है, लेकिन प्रधानमंत्री की दृष्टि में छत्तीसगढ़ भी हमारे देश का राज्य है और मध्य प्रदेश हमारे देश का राज्य है, दोनों को बराबर तरफ भेजता है। ठीक है, ऐसे ही निश्चय ने भी हमारा ही अंग है और व्यवहार नहीं हमारा ही अंग है, तो दोनों की वृद्धि कीजिए, दुश्मनी किस बात की। निश्चय ने को मानने वाले विद्वानों को तुम एक विषय का प्रोफेसर बना दीजिए, व्यवहार को मानने एक प्रकार का बना दीजिए, और दोनों से कहो एक दूसरे की निंदा नहीं करोगे, अपने अपने विषय पर रटे रहिए और आप उसमें विशेषता पाई। ये विषय सत्य है कि नहीं, सही है कि नहीं? बस अब आप समझो, ओ नवीन भाई संजय विश्वास मानो, किसी निश्चय व्यवहार वाले झगड़ा कर फैलाने यहाँ कोई आना मंदिर में, उसकी बातों में मत आना। बोले क्यों, हमने गुरु जी से सुन लिया है कि दो नए के दोनों विद्वान बन जाओ, लड़ो मत, निषेध मत कीजिए, आप आपस में बैठो, ये भी सत्य ये भी सत्य, दोनों नए व्यवस्था व्यवस्था है, झगड़ा कहाँ हो रहा है? कि जो जिसका ज्ञाता नहीं है अपने अहंकार के लिए सामने वालों को नीचे दिखाने के चक्कर में समाज को टुकड़े करा रहा है, लेकिन वास्तव में समय सार भी हमारा ही है तो सठखंडागम भी हमारा ही है, अलग है क्या? नहीं है ना? इसलिए मालूम मैं सारे दंडों से दूर हो गया हूं, एक भी पंथ का पक्ष नहीं लेता हूं मैं, आप अनुभव कर रहे होंगे, हर पंथ ने मुझे बुलाया, वो बुलाते हैं, मैं सबके यहां जाता हूं, लेकिन किसी भी पंथ का बन के नहीं रहना चाहता हूं, क्योंकि मैंने सत्य को समझ लिया है, तुम्हारी कसा तुम्हारा पंथ, आगम जो है सो है। पर जो पंथों के खूंटों से बंधे थे उन्हें हमसे परेशानी जरूर हो रही है, क्यों? बोले ये सबके हुए जा रहे हैं, हम एक ही खूंटे में बंधे बैठे, आप अनुभव कर रहे हैं ना? निश्चय वाले में मैं जाता हूँ, व्यवहार में जाता हूँ, 13 में जाऊँ, 20 में जाऊँ, 16.5 में जाऊँ, समैया में जाऊँ, जितने जाऊँ सब जगह जा रहा हूँ। ठीक है, श्वेता मुरमले उनके यहाँ चले गया, लेकिन मुझे मालूम है मैं दिगंबर हूँ। ऐसा जीवन जियो, वस्तु मिथ्या नहीं है, व्यक्ति की दृष्टि मिथ्या है, जाओ। बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका, मैंने ये कब कहा वो भी सही है, हमने ये कहा है वस्तु मिथ्या नहीं है, दृष्टि मिथ्या है। आम आदमी को प्रश्न करना चाहिए, फिर आम आदमी पार्टी भी आजकल बढ़ रही है थोड़ी थोड़ी, आम आदमी को प्रश्न करना चाहिए। आज मालूम सुब्रत साहू एक जगह हम ले गए, हमने कहा तुम सब जगह छिड़क के आओ चावल जाओ, तो लोगों ने हमसे प्रश्न किया, मैंने इसलिए जान के किया था सब जगह छिड़क के आओ, तो चलते चलते संजय के व्यक्ति ने मेरे से प्रश्न कर दिया, आपने सब जगह छिड़कवा दिए चावल। हमने सुनिए नमोकार हमारा तीन लोग का नक्शा, हमारा अरंत प्रतिमा दिगंबर, हमारी राजकुमार महावीर हमारे, समझ गए? परस्पर वो जीवानाम हमारा है कि नहीं? अब अलग है क्या? मैं खुश हूं तुमने हमारा ही सब इकट्ठा कर लिया, तुम चार मारा मानते रहो, लेकिन हमने तो देख लिया, शांति अष्टक पढ़ लीजिए, उसकी संस्कृत टीका पढ़ लीजिए, उसमें लिखा है, ग्रंथ का प्राण ध्यान उसमें लिखा है कि ग्रस्त अवस्था जन्म कल्याण को मानती है श्वेतांबर परंपरा, और दीक्षा कल्याण से प्रभु को मानती है दिगंबर परंपरा, और पांचों कल्याण मानती है दिगंबर परंपरा, बराबर है कि नहीं? आगम से बोलना, आगम से मान, क्या बोला मैंने? पांचों कल्याण मानती है दिगंबर परंपरा, मानती कि नहीं? वैशाली गए कभी? वैशाली बासुकुंड वैशाली नहीं गए तो चले जाना कभी मित्र, वहां पर भगवान राजकुमार वर्धमान महावीर की मूर्ति है, सुंदर युवावस्था में, आहा राजकुमार वर्धमान वैशालिक, क्या जन्म से ही भगवान महावीर स्वामी ने कपड़े पहने नहीं थे क्या? पहने थे ना, राजकुमार महावीर भी थे, उन्होंने ही दीक्षा लिए तब दिगंबर मुनि महावीर हुए, टेंशन किस बात का? वहाँ चौराहे पे खड़े होकर एक नहीं बोलना कि ये अमुक है अमुक है, हम ऐसा समझाएंगे, खजुराहो में राहू में
खजुराहो में रहा हूँ, बहुत रहा हूँ खजुराहो में, वहाँ लोग विदेशी आते हैं, मंदिर देखते हैं, घंटों घंटों खड़े रहते हैं, वहाँ समझाते कैसे तरीके से, वो तरीका भी मैंने सीखा है। वहाँ मैं झगड़ा की बात थोड़ी करूँगा, ये हमारा महामंत्र नमोकार है, ये हमारा त्रिलोक का नक्शा है, ये हमारे तीर्थंकर महावीर दिगंबर मुनिराज है, ये राजकुमार महावीर ऐसे थे, ये जैन प्रतीक है, टेंशन फ्री। लोग देखते रह गए, यहाँ सब हमने ले लिया, विशालता लाओगे तो देश हमारा, नहीं तो प्रांत के अरहंत हो गए। जाओ मित्र, बहुत समय हो गया, कल फिर आओगे मित्र, परे तो पुनः चर्चा करूँगा। आज का विषय बड़ा आनंदमय है, इसको ध्यान रखना, और मांगीलाल जी से खास कहना है, तुम बम्बई जाके सारे मुमुक्षुओं से कहना, एक बार चलो तत्व को समझो, आत्मा स्वभाव।